जब तक तो मुजरिम को लाएगा नहीं तो कैसे होगा, समझे। यहाँ पूरा ग्रामीण भड़का हुआ है, ग्रामीण का पूरा देखवे कर रहे हैं आप टोटल। इसको इंसाफ चाहिए, इंसाफ हर हाल में चाहिए, तभी यहाँ से बॉडी ले जाएगा। लगभग अभी तक के 10-12 घंटा हो गया, 10-12 घंटा हो बीत चुका है और बॉडी यहीं पर रखा हुआ है, और प्लस प्रशासन भी अभी देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से उसको मारा गया है। किस तरह, मतलब समझिए कि एक जहर जो होता है, जहर लगाने के बाद वो लड़का तो बहुत मजबूत बहुत ठोस था। ये अकेला का काम नहीं है, इसमें 5-7 तरह का मिलावट है, समझिए। क्या किसी से जाति दुश्मनी जो दुश्मनी कुछ नहीं है। एक वो लड़का है, जैसे हम खेलते एक दूसरा में रहते हैं, लेकिन अगला कल हो के अगला कोई बोला कि तुम उसको बचा के रखो, समझ गए। और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं था, वो लड़का के साथ कोई भेदभाव नहीं, सब मोहब्बत से रहता था। ऐसा हादसा तो कभी दुनिया में देखा ही नहीं था, बस इतना उम्र हो गया हम लोग का, ये हादसा नहीं देखे। दुश्मनी नहीं था, नहीं दुश्मनी कुछ बोल के, लेकिन धमकी दिया गया, ये हो के दूसरा दिन। आखिर आपकी मांग क्या है ग्रामीण? मांग यही है कि जो मुजरिम को सामने लाया जाए, समझिए, मुजरिम को सामने लाया जाए, जैसा सजा दिया उसको भी सजा दे। फांसी समझिए, तो फांसी से भी बदतर का सजा होना चाहिए। आखिर कब तक आप लोग बॉडी को लेकर यहाँ पर बैठे? आप तो देख रहे हैं, एक सुबह से आप लोग भी आए हुए हैं, पूरा मतलब जनता पूरा सामने ला दे, तब कातिल को सामने कर दे, तब तक हम बॉडी को यहीं पर रखेंगे, यहीं पर पूरा ग्रामीण, आप लोग सारे ग्रामीण हम है जो हमारा इति करे, निर्णय करे, हमारा फैसला करे, प्रशासन हमको इति दे, सुविधा दे, कातिल को सामने लाए, बस ये इतना ही हम लोग का मांग है और कुछ भी मांग नहीं। क्या आश्वासन मिला प्रशासन की तरफ से आप? प्रशासन को, प्रशासन अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, प्रशासन यही बोल रहा है जो हमको 2 दिन का मोहल्ले दीजिए, हम बोला 2 दिन यहाँ से डेड बॉडी हम उठा ले, 2 दिन के बाद अगर हमको कल होकर दौड़ा आएगा कुछ भी नहीं होगा, बाद रफा दफा कर देगा, हम कैसे डेड बॉडी को उठाने दें यहाँ से? किन लोगों पे कुछ तो प्रशासन को क्लू देना पड़ेगा ना आप लोग को? प्रशासन को दे चुके हैं हम लोग, जो हमारे शक की बुनियाद है हमारे, हम लोग को जो हम उसको दे चुके हैं, तो प्रशासन उसके आगे काम ही नहीं कर रहा है। जब वो कुत्ता लाया, अभ्यास किया, नहीं उससे हुआ, तो उसका आगे कार्रवाई करना चाहिए ना प्रशासन को। कुत्ता भी लाया था, लाया था, आगे जाके रोक दिया, 2 कदम में किया, वहाँ पर पूरा पानी से हाथ धो लिया, यहाँ पे सुराख खत्म होगी, ऐसा थोड़ी होता है जो सुराख खत्म होगी। कई मर्डर देखे हम, मीडिया न्यूज़ से देखे, मीडिया के माध्यम से देखे, कितना देखे मर्डर देखे हैं, जो कुत्ता पानी से गया दूर से, दूर दिल्ली बम्बई चला जाता, वहाँ से कातिल को उठा लेता है। अच्छा, यहाँ पे तो देख रहे हैं हमको प्रशासन का कुछ तरह से नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद मुमताज हुआ, ग्रामीण है जी, हम ग्रामीण है। आपका नाम क्या? आफ्ताब आलम। आप एक ग्रामीण, रिश्ते से दादा भी लगेंगे, एक ही जगह के, एक ही मोहल्ले के। क्या मांग है? मांग वही है कि मतलब मुजरिम को लाया जाए और उसको मतलब सख्त से सख्त सजा दिया जाए। लड़के का माता पिता कहाँ है? लड़के का माता पिता आप जानिए, जिसके साथ ये हादसा होगा उसका माँ बाप का क्या हाल होगा? पानी ने चढ़ता होगा, बड़ा लड़का है। अच्छा, 2 लड़का था उसका, बुरा हाल है, बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। आप समझिए ना, ये हादसा किस टाइम हुआ, उस टाइम से आदमी मुँह में खाना दाना पानी नहीं खाया होगा, उसके साथ क्या हाल होगा? बड़ा लड़का यही था। लड़का कहाँ रहता था? लड़का घर ही पे रहता था, समझिए, घर ही पे रहता था हमेशा। हाँ, कुछ काम करता था। इन लोग दोस्त हैं, इन लोगों से जानेंगे, लड़का दोस्त ही आर्मी से था आप लोग? अच्छा, आपका भाई है। कुछ काम करता, क्या काम करता था? काम करता था दिल्ली में, दिल्ली में रहता था। दिल्ली से कब आया, कितने दिन पहले? लगभग 2-3 महीने, 2-3 महीना तब से यहीं रहा, काम रुका हुआ था इसलिए यहीं पे था। काम का कुछ मंदा चला था जिसके कारण वो रुक गया, और आज हत्या हो गई उसकी। किस तरह से उसकी हत्या किया गया है, क्या 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 चीज से वार किया गया, आप लोग देखे हैं बॉडी को? हम लोग नहीं देखे, अच्छा नहीं देखे हैं बॉडी को, इतना ही देखे हैं जो ईटा है रखा हुआ, उसमें ब्लड लगा हुआ है, उस चीज से यहाँ पे वार किया गया, इस चीज पे वार किया है। उसके बाद मेन पार्ट जो होता है इंसान का, उस पर भी हमला किया है, प्राइवेट पार्ट पे हमला किया है, उसे चाकू से पूरा छिला गया हुआ, छिला हुआ ऐसे नजर आ रहा है, चाकू मार, चाकू मारे हुआ। यहाँ पे बहुत डेंजर, जो कूटा जाता है ना जिस तरह से, उस तरह से उसको कूटा गया है, यहाँ पे चाकू से वार किया है, ईटा है वहाँ पे, ब्लड लगा हुआ है, उससे मारा गया है, उसके बाद ब्लड को बॉडी को अंदर में डाल के और फरार हो गया। जलाने का प्रयास किया, जलाने का भी प्रयास किया, उससे भी नहीं हजम हुआ उसको, देखा आदमी जागरूक हो जाएगा, इसकी वजह से जल्दीबाजी में निकल गया वो लोग डाल के यहाँ पे। आप लोग की यही मांग है कि जब तक बॉडी यहाँ, उससे पहले अपराधी पकड़ा जाए। हत्या की जो वजह है वो कुछ नहीं बता पा रहे हैं आप लोग, वजह कैसे समझ में, सब तो एक दूसरा को अभी तक कुछ जो है कि इसका नहीं, आप लोगों के हिसाब से कुछ हत्या की वजह कोई कारण हो सकता है? हम लोग का तो कोई कारण नजर नहीं पता अभी तक, प्रशासन भी जो है कि काम कर रहा, बाकी काम का कोई जो है सिस्टम समझ में नहीं आ रहा जो है कि कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमान। मेरा नाम MD सनाउल्ला है। जो भी अपराधी है
इनको सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा, कड़ी से कड़ी सजा इनको मिलना चाहिए। फिर भी कुछ नहीं हुआ, इस तरीके का घटना हो भी नहीं किया था इससे पहले, पहली बार इस तरीके का। क्या नाम था लड़के का? नूरुल हुदा। नूरुल हुदा। फिर भी सर सुबह से शाम हो गया है, 24 घंटा का मान के चलिए, 20 घंटा 15 18 घंटा हो गया है, फिर भी प्रशासन कुछ नहीं किया, सुराग नहीं ढूंढा है इन पे। प्रशासन पे भरोसा है? प्रशासन पे भरोसा है, रुके हुए हैं। शाम का बाद भी 2 घंटा सर नहीं पहुंचा प्रशासन, 2 घंटा नहीं पहुंचा। हम लोग यहाँ पे मौजूद थे, प्रशासन को फोन पे फोन किया जा रहा था सर, लेकिन फिर भी प्रशासन 2 घंटे के बाद पहुंचा है। हमारा जनता भाई प्रशासन पे क्रोध में ही उन पे आक्रोश किया है, जो आप गलत किए हैं। अभी भरोसा है आगे जो, फिर भी लेकिन हमारे जद्दोपट्टी चौक पे एक चौकी होना चाहिए प्रशासन, क्योंकि पताना थाना बहुत दूर है सर। अब मेरे जद्दोपट्टी चौक पे हो जाएगा तो पूरे एरिया को कवर करेगा सर। कौन सा थाना लगता है ये? पताना थाना पड़ता है सर, अयोध्या बीसी प्रखंड दूर पड़ता है।